नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। मैं राशिद अली। क्या आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से देश में रह सकते हैं? और क्या आपको ये लगता है कि इस देश में हर समुदाय अपनी मर्जी से रह सकता है? क्या कोई समुदाय अगर अपनी मर्जी से रहता है तो दूसरे समुदाय को क्यों तकलीफ होती है? और क्यों बार बार हमें ऐसी घटनाएं सामने आने पर मिलती हैं, हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि बाद में उस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? क्या इस समुदाय को जीने का हक नहीं? क्या यह समुदाय हमारे समाज का हिस्सा नहीं? क्या इस समुदाय के नाम में अगर उसे नाम से जोड़ा जाए तो क्या वो बेहद ही नीचे हो जाता है? क्या देश में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, या फिर इंसानियत के नाते हम सबको बराबर नहीं समझ सकते? क्यों ऐसी खबर आती है कि अगर किसी एक विशेष समुदाय के घर अगर कोई घोड़ी पे वो अपनी बारात निकाल रहा है, अब जाहिर सी बात है दूल्हा घोड़ी पे ही जाएगा, गधे पे तो जाएगा नहीं। और अगर वो जा रहा है, बारात निकाल रहा है, शान से निकाल रहा है, तो दूसरे समुदाय को क्या दिक्कत होती है? अगर कोई समुदाय अच्छा काम कर रहा है या फिर कोई समुदाय कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे सभी समुदाय करते हैं, तो बाकी सभी समुदायों को क्या तकलीफ होती है? आखिर इस देश में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, सबका साथ सबका विकास किया जाता है, तो आखिर लोगों की सोच का विकास क्यों नहीं किया जाता? सोचने वाली बात है कि एक तरफ जहां मंत्री हैं, नेता हैं, इतने बड़े बड़े बयान देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास देते हैं, तो फिर उन्हीं के दल के नेता, उन्हीं की पार्टी के नेता ऐसी नफरत भरी राजनीति क्यों करते दिखते हैं? और एक अब ताज़ा मामला मैं कहूँगा आपको, जो कि ताज़ा मामला भी इसी सोच से संबंधित है, और अगर उसे आप देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि आखिर लोगों की सोच जहाँ खा रही है। क्या आप इंसान की पहचान उसके नाम से करते हैं? क्या आप इंसान की पहचान उसके सरनेम से करते हैं, उसकी जाति से करते हैं, उसके धर्म से करते हैं? आखिर किससे करते हैं? इंसानियत का भी कोई धर्म है या नहीं, या सिर्फ नाम का धर्म रह गया है? मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक घटना है जो घटी है प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में, गुजरात में। और आखिर वो घटना क्या है, उस घटना को मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उस घटना को मैं आपको दिखाए बगैर रह नहीं पाया, क्योंकि ये घटना कुछ ऐसी है जिसमें आपको लगेगा कि शायद ये किसी और की गलती नहीं, बल्कि हमारे समाज में रह रहे लोगों की सोच की गलती है। लोगों की सोच का दायरा जो कि वो एक बहुत ही सिमट गया है, बहुत ही संकुचित हो गया है, लोगों की सोच बहुत ही छोटी हो गई है, और इसलिए ऐसी बार बार खबरें आज सामने आती हैं। मैं सीधा लेके चलूँगा आपको खबर की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं गुजरात से एक खबर है, और ओबीसी समाज के शख्स ने नाम में लगाया सिंह, राजपूतों ने मुंडवा दी मूछ। इस कथित घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने बनासकांठा जिले के पालनपुर तालुका के गौड़ गांव से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर राजपूतों को क्या दिक्कत हो रही है? कभी राजपूतों को फिल्म में दिक्कत होती है, कभी राजपूतों को किसी के मुद्दे को लेकर दिक्कत होती है, आखिर दिक्कत क्या होती है? सोचने वाली बात है कि आखिर एक समुदाय क्या दूसरे समुदाय की रोग का असर बन सकता है? क्या एक समुदाय दूसरे समुदाय को कब तक रोक सकता है? क्या हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को टारगेट करे? क्या हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि किसी का समुदाय ऊपर है और किसी का समुदाय नीचे है, और वो नीचे वाले समुदाय को रोक टोक करे, उसे चैन से जीने ना दे, या वो जैसा चाहता है वैसे उसे जीने ना दे? मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ और फिर आप फैसला कीजिए कि आखिर हमारे समाज की सोच का विकास हो रहा है या फिर उसकी सोच घट रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पूरा मामला गुजरात के बनासकांठा जिले में ओबीसी समुदाय के 23 वर्षीय व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि राजपूत समुदाय के सदस्यों ने उसके नाम के साथ सिंह जुड़े होने की वजह से उसे अपनी मूछ काटने पर मजबूर किया है। मूछों का तो वैसे ही आजकल दौर चल रहा है, हर कोई मूछें रख रहा है, लेकिन अगर कोई एक लड़का जो कि 23 साल का और अगर वो मूछ रखता है तो उससे उसके नाम में सिंह जुड़ा है, और इससे राजपूत समुदाय को क्या दिक्कत हो सकती है?
पुलिस ने इसकी जानकारी दी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने बनासकांठा जिले के पालनपुरा तालुक गौड़ गांव से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मनका गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता रंजीत ठाकुर ने आरोप लगाया था कि गौड़ गांव के राजपूत समुदाय के कुछ लोगों ने, जो कि मामला 27 मई का बताया जा रहा है, उसको अगवा कर लिया और अपने नाम के पीछे सिंह जोड़ने के लिए मूछ काटने पर उसे मजबूर किया। वीडियो में ठाकुर किसी जगह पर कुछ पुरुषों से माफी मांगते हुए और फिर एक उस्तरे से अपनी मूछ काटते हुए दिखाई दे रही हैं। तो वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरी खबर, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा जरा वो जूम करके आपको दिखाएं। पुलिस अधीक्षक नीरज जोगी बदगुजर ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। हम उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे जिन्होंने दो समुदाय के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की है और ऐसे वीडियो को प्रसारित किया है। पुलिस उप निरीक्षक AY पटेल ने बताया कि इस सिलसिले में जो कि मामला दर्ज किया गया था और उस मामले में कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मामले में जो आरोपी है, जो अब नाबालिग भी आरोपी बताया जा रहा है, क्या आगे आगे उसकी सोच और नेगेटिव नहीं होगी? और इसकी तो सोच नेगेटिव होगी, इसकी सोच तो छोटी होगी। और जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रहा है, इस खबर से जो समुदाय ताल्लुक रखता है, जो समुदाय संबंध रखता है, आखिर उस पर क्या असर पड़ेगा? और जब उस पर असर पड़ेगा तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसी खबरें हमारे समाज का विकास नहीं करती। ऐसी खबरें हमारे समाज को और छोटा बनाती हैं, हमारी सोच को छोटा बनाती हैं। अगर समाज का विकास करना है तो सबसे पहले अपनी सोच का विकास करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राज्य आगे बढ़ने होंगे, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शहरों को आगे बढ़ना होगा, शहरों के आगे बढ़ने के लिए हमारे समाज को आगे बढ़ना होगा। और समाज को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले सोच का बढ़ना ज़रूरी है। अगर सोच नहीं बढ़ेगी तो ये कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ये बात देखने लायक है और गौर करने लायक है, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती हैं, आप देखते होंगे कि दलितों पर किस तरह अत्याचार किए जाते हैं, दलितों को बार बार घटनाओं का सामना करना पड़ता है, उनकी जान तक चली जाती है, जबकि PM मोदी ये कहते हैं कि किसी दलित पर हमला पहले मुझ पर हमला है। आखिर ऐसी घटनाओं के बाद वो क्यों चुप हो जाते हैं? क्या उनका भाषण केवल उसी दिन था? क्या उनकी जिम्मेदारी केवल उसी दिन थी? आखिर इस इलाके के नेता, प्रशासनिक अधिकारी, इतनी जब घटना इतनी पुरानी है तो अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है और क्या इससे सीख मिली है और क्या इससे पता चला है कि आखिर इस मामले में ऐसी घटनाएं और नहीं होंगी? इस घटना के होने की बात नहीं है और ना ही बात यह है कि आखिर ये घटना थमी है। बात यह है कि आगे ऐसी और घटनाएं कितनी होंगी और उसके लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है प्रशासन ने कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटे जिससे समाज में किसी समुदाय को लेकर उसको टारगेट किया जाए, जिससे समाज में किसी समुदाय को लेकर उसका नाम बदनाम हो और बार बार एक ही समुदाय का नाम हो तो शायद लोगों को लगेगा कि ये समुदाय ज़्यादा, आखिर ये समुदाय ऐसा क्यों कर रहा है? जबकि पता चलता है कि आखिर इस समुदाय की तो कुछ गलती ही नहीं है, बल्कि आखिर ये समुदाय जो कि समाज ने इसको छोटा बना दिया है, ये समुदाय दरअसल थोड़ी खुली हवा में सांस लेने के लिए उम्मीद लगा रहा है और इसको बार बार दबाया जा रहा है हमारे समाज के लोगों के द्वारा, हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा, कि उस समुदाय को आखिर उसकी छोटी सी सीमा में रहने का जो दायरा मिला हुआ है वो कह रहे हैं कि आखिर इस समुदाय को इसी दायरे में रहा जाए। क्यों इस दायरे में रहा जाए? आखिर जब हमारा देश लोकतंत्र देश है और हर किसी को खुले में सांस लेने का अधिकार है, हर किसी को समान अधिकार प्राप्त है, बोलने की आज़ादी है, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, लेकिन तब तक जब तक किसी सामने वाले किसी दूसरे इंसान को ठेस ना पहुँचे, दूसरे इंसान को ठेस ना पहुँचे और उसके दायरे में वो आके व्यक्ति खुले तौर पर वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, उससे सबकी आज़ादी है, तो फिर क्यों ऐसी लगाम लगाई जाती है? फिर क्यों दलितों पर बार बार अत्याचार होते हैं और अब OBC पर जो नया मामला है, आखिर क्यों ऐसा सामने आता है?
तो जरूरत है ऐसे में समाज को सुधारने की और सोच को विकसित करने की। और याद रखिए, देश जब ही बढ़ेगा जब सोच बदलेगी। अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी तो देश नहीं बढ़ेगा, भले ही आप कितने बड़े भक्त बनते रहो, कितने ही बड़ी बड़ी बातें करते रहो, राजनीति की सुधारने की बातें करते रहो। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक आप नहीं बदलोगे, तब तक देश नहीं बदलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। के लिए बार फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।